अगर आपको अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज करनी है, कैसे चेंज करेंगे? वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपको पता होनी भी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र्स अभी भी हैं जिनको ये पता नहीं है कि कैसे वो कॉलर ट्यून को चेंज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज करनी है, कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन टोन चेंज करनी है या उसको म्यूट करना है, कैसे करेंगे? आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड देखेंगे। हालांकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर आपको चाहे रिंगटोन चेंज करना हो, चाहे नोटिफिकेशन टोन चेंज करना हो, उसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पोर्शन पे जाना होगा। तो इसके लिए यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ साइड में ऊपर सेटिंग पोर्शन दे रखा है, आपको सेटिंग पोर्शन पे ही जाना है। जहाँ पे भी अवेलेबल हो आप वहाँ पे चले जाइए। इसके बाद आप सेटिंग पोर्शन पे जाएंगे तो यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। आप जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे रिंगटोन से संबंधित देख सकते हैं, 19-20 सेम सेटिंग्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आपको जैसे रिंगटोन में चेंजेस करने हों तो आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड्स पड़ते हैं, तो जैसे आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पहले पे जो भी लगाना हो तो यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप पहले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पिकर। तो अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन की इनबिल्टेड रिंगटोन्स हैं जो कि फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। अगर आपने कोई डाउनलोड की है रिंगटोन, आपको उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए ऊपर यहाँ प्लस बटन आप देख सकते हैं, आप प्लस बटन पे हिट कर सकते हैं। और प्लस बटन पे हिट करने के बाद ये आपके फ़ोन का यहाँ पे गैलरी पोर्शन ओपन हो गया है। जो भी फ़ोन पे आपके पड़ी हुई टोन्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे एल्बम पोर्शन है, आर्टिस्ट है, फोल्डर है। फोल्डर के थ्रू आप जाकर कहीं से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पहली टोन मुझे दिखाई दे रही है, मैं इस पर टैग कर देता हूँ और टैग करके डन कर दूंगा। जैसे ही मैं टैग करके डन कर दूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया है। अब आप बैक जाएंगे यहाँ से तो आप देखेंगे जो टोन अभी मैंने चूज की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। सेम टू सेम सेकंड वाले पे जाइए और सेकंड में भी आपको सेम चीज़ें क्लिक करनी है। अगर आप इस पे ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो जो पहले से अवेलेबल रिंगटोन्स हैं आपके फ़ोन में बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ से जाकर अपने फ़ोन से आप रिंगटोन्स को चूज़ कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये बात तो रही रिंगटोन की, अब यहाँ से बैक जाइए। इसी तरीके से नोटिफिकेशन साउंड आपको क्लिक करना है तो क्लिक करिए। नोटिफिकेशन साउंड जैसा रखना चाहते हैं आप वहाँ से जाकर वो चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोन पे दे रखी हैं और यहाँ से आप अगर चाहें तो यहाँ से साइलेंट भी कर सकते हैं। कई बार इश्यूज आते हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जो कि प्रॉब्लम का सबब बन जाती हैं। तो आप चाहें तो सबसे ऊपर साइलेंट का ऑप्शन दिया रहता है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप उसका साउंड लेवल भी घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे साउंड लेवल घटाने बढ़ाने के लिए नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन है। आप चाहें तो जो भी रिंग टोन्स आती हैं उनका साउंड आप तेज़ रखिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उनका साउंड आप यहाँ से स्लो कर लीजिए। तो जो नोटिफिकेशन दिन भर आएंगी, किसी न किसी ऐप पर आती ही रहती हैं, तो कम से कम उनका साउंड थोड़ा आपके लिए स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से साउंड एंड नोटिफिकेशन ऑप्शन पे, साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन पे, कई बार थोड़ा ऑप्शंस का नाम डिफरेंट रहता है, सेटिंग पोर्शन पे जाकर आप अपने फ़ोन को इस तरीके से साउंड इफेक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।